हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं आज वो सभी कथन और कारक। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की डीप नॉलेज नहीं है तो शायद आज आप उसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो हमारे आज तक जितने भी टेस्ट सीरीज थे उन सब में यह सबसे अलग टेस्ट सीरीज है। आई होप कि आप लोग इसमें 20 क्वेश्चंस तो सही कर ही ले जाएं 25 में, ठीक। तो अगर आपको NTPC का एग्ज़ाम देना है तो आपको एक बार ये सिक्योर करना होगा कि आप कितने क्वेश्चंस कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कथन दिए गए हैं। पहला है, इस प्रक्रिया में पौधे वातावरण से सरल अणुओं के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व जल को ग्रहण करते हैं, ठीक। क्या है कि पौधे वातावरण से सरल अणु जैसे CO2 और H2O को ग्रहण करते हैं। दूसरा है हमारा, यह क्रमशः संपन्न होने वाली प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसके बाद स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से जल को ग्रहण। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रक्रिया है पूरी, यह पूरी एक चरणबद्ध तरीके से होती है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, पौधे सूर्य से क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, फिर स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को और जड़ों से जल को ग्रहण करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है, ठीक। तो इसमें देखिए हमारा सही आंसर, आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा, हमारा सही आंसर होगा इसमें केवल कथन एक सही है। इसका रीज़न, ये बात तो सही है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को पौधे अवशोषित करते हैं, यह भी सही है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयन में अपघटन होता है, ठीक। उसके बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। सभी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये जो चरणबद्ध लगा दिया है क्रमशः, ये चीज़ें चरणबद्ध होती है तो ये चरणबद्ध नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन है हमारा कि ईस्ट जैसे एक कोशिकीय जीव का प्रयोग बियर व शराब बनाने में किया जाता है। कथन क्या है हमारा, ईस्ट जैसे एक कोशिकीय जीव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बियर और शराब बनाने में। इसका कारण है कि ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज को मेथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला लिखा है हमारा कि कथन व कारण दोनों सही है, ठीक, तथा कथन कारण कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा हमारा, कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा हमारा सही होगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। होता क्या है इसमें कि ग्लूकोज को ईस्ट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है, ठीक। और यह भी सही है कि हमारा ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया में एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है इस प्रक्रिया में, एथिल एल्कोहल, जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है शराब व बियर बनाने में। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि शराब का मुख्य घटक क्या होता है तो एथिल एल्कोहल होता है शराब का मुख्य घटक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर ब्लड से, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो पहला हमारा कि रक्त समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी हर क्वेश्चन को पूछने के बाद। तो पढ़ते पहला है कि रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया। दूसरा हमारा कि AB रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। तीसरा हमारा, ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। हमें बताना है इनमें से हमारा कौन सा सही है। तो आपका समय समाप्त होता है। अब इसमें देखिए, रक्त समूह की खोज किसने किया है, लैंड स्टीनर ने, आप बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग बात करें कि AB रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है तो यह भी बिल्कुल सही है।
दूसरा ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त तीनों कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, पहले पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहते हैं। दूसरा दिया है मर्मिकोलॉजी, चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तीसरा है ट्रोमेटोलॉजी, घाव का अध्ययन है। एंड फोर्थ है एग्रोलॉजी, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। तो बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो आई थिंक अब आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए, इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है। एग्रोलॉजी की बात करें तो आप बताइए, एग्रो एग्रो से आपको क्या समझ में आता है, एग्रो से आप एग्रीकल्चर पे पहुंचते हैं। हाँ, तो वही है, यह मृदा विज्ञान की शाखा है जिसमें फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एग्रोलॉजी क्या है, मृदा विज्ञान की शाखा जिसमें फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और बाकी पीडियाट्रिक्स में शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है, ट्रोमेटोलॉजी में घाव का अध्ययन किया जाता है, और मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ से देखिए, हमारे ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी और आपको इसको फटाक से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए, चींटियों के अध्ययन को यहाँ पे हमने क्या कह दिया, मर्मिकोलॉजी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटियाँ जो है कौन सा एसिड रिलीज करती हैं। तो चींटियों के जो काटने पे सूज जाता है उसे क्या कहते हैं, वो फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। चींटियाँ कौन सा एसिड छोड़ती हैं, फार्मिक एसिड छोड़ती हैं। ठीक है, चींटियों के कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि तीन जोड़ी या 6 पैर होते हैं चींटियों में। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चींटियाँ चारों तरफ देख सकती हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि चींटी की आंखें सिर के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जिस वजह से वो चारों तरफ देख लेती हैं। एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आपको बताना है कि चींटियाँ लाइन में क्यों चलती हैं, आपको इस टेस्ट सीरीज में बताना है। और अगर आप इसका सही उत्तर देते हैं ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या है। इजी नहीं है, जो लोग पढ़ते होंगे साइंस प्रॉपरली वही इसका सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत यूक्रोलाइटिक के अंतर्गत सॉरी मानव यूरियोटेलिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं कि प्रोटीन के उपापचय के परिणाम स्वरूप अमोनिया बनती है, जिसे यकृत द्वारा अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बदल दिया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिए एंड हमें जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो आई थिंक हो समझ में आ गया होगा आपको, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, मानव यूरियोटेलिक के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा अपशिष्ट जो उत्पन्न किया जाता है उसे यूरिया कहते हैं। दूसरा है कि प्रोटीन का जब उपापचय होता है तो अमोनिया बनती है, जिसमें यकृत द्वारा अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बदल जाता है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक में क्या होता है कि जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे अमोनिया कहते हैं, जैसे मछलियाँ। मछलियाँ कौन से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं, अमोनिया का। दूसरा जो होता है वो होता है यूरिकोटेलिक। यहाँ पे क्या है, यूरियो है, मैं आपको बता रही हूँ, यूरिकोटेलिक। इसमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ यूरिक एसिड होता है, जैसे पक्षी हो गया और सरीसृप वर्ग हो गया। ठीक, तीसरा आता है यूरियोटेलिक, इसमें मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है, जैसे मानव। ठीक है, मानव क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। जब प्रोटीन का उपापचय होता है तो अमोनिया गैस बनती है और ये काफ़ी विषैली होती है, जिसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो होता क्या है, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए यकृत इसे यूरिया में बदल देता है। मानव में यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और यूरिया क्या होती है, जल में घुलनशील होती है, जो कि उत्सर्जन तंत्र के द्वारा मतलब वृक्क के द्वारा यूरिन के माध्यम से निकल जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। दूसरा, हमारा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। फिर हाथ व पैर में 60-60 अस्थियां होती हैं। फिर वक्ष में 24 अस्थियां पाई जाती हैं। तो जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वच में कुल 25 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 25 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, इस संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ठीक, पहला क्या है, इन्होंने बताया कि विटामिन ए कार्बनिक यौगिक है और इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। देखते हैं इसमें क्या हमारा सही होगा। पहला इसमें इन्होंने बताया है कि विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन व वसा में घुलनशील विटामिन। काफ़ी ईजी है, आई थिंक आप सबको पता होगा। दूसरा है विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील हैं और जबकि ए डी ई के ये जल में घुलनशील हैं। तीसरा हमारा ग्लूकोज व वसा की कमी होने पर विटामिन अल्प मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखते हैं इनमें कौन सा आंसर हमारा सही होता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक, तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है, जबकि डे का क्या होता है? डे का हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखते हैं इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस सत्य कथन कौन सा है। ठीक, तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, यह भी सत्य है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा असत्य है, दूसरा जो कथन है वो, क्योंकि जो बी सी है या जल में घुलनशील है और डे का वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा, केवल दो को, अगर एक और तीन, इसमें देखिए कहीं नहीं दिया है कि एक और तीन सही है। ठीक है, तो हमारा दो ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्नाशय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो देखते हैं अग्नाशय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि एक अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों है। पूछ रहा है कि अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसमें यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। ठीक है, दूसरा हमारा कि अग्नाशय का एक भाग लैंगरहंस की द्वीपिका कहलाता है, जहां अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं होती हैं। तीसरा हमारा कि अल्फा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं तथा शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। तो आप तीनों जल्दी से पढ़िए और हमें बताइए कि इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो सही हैं, बाकी हमारा सी गलत है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय और यह अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों हैं। फिर है कि अग्नाशय का एक भाग लैंगरहंस की द्वीपिका कहलाता है, जहाँ अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएँ होती हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो सोचने व समझने का निर्णय लेने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो सभी को पता है जो सोचने वाला मुख्य भाग होता है उसे हम लोग अग्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव शरीर का जो सबसे विकसित भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अग्रमस्तिष्क। अगला हमारा कि रोग दिया है और उससे प्रभावित अंग दिए हैं, तो मलेरिया किसको प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, इंसेफ्लाइटिस। हमसे पूछा इसमें कौन सा किसको प्रभावित करता है। ठीक, तो देखते हैं इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा। इसमें देखिए जो हमारा है इंसेफ्लाइटिस, ये फेफड़े को, यही हमारा गलत आंसर है। इंसेफ्लाइटिस दिमाग को प्रभावित करता है। ठीक है, या किसको प्रभावित करता है? ब्रेन को प्रभावित करता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके दिमाग में सूजन आ जाती है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया फेफड़े का रोग है या फेफड़े को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है। और मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम नाम के संक्रमण से, जिसकी वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसमें क्या है? प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, तो यह किसको प्रभावित करेगा? प्लीहा को। नेक्स्ट है हमारा कि आहार श्रृंखला के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। क्या है? किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। तो देखते हैं इसमें हमारा दूसरा है हमारा कि हमारी जानकारी के बिना कुछ रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसमें कौन सा
सही होगा। इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। हमारी जानकारी के बिना ही कुछ रासायनिक पदार्थ हमारे आहार श्रृंखला से होते हुए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा है कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में सर्वसम्मति से बनी CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, ठीक। तो UNDP का मुख्यालय कहाँ है? पूरे क्वेश्चन में देखें, फालतू में घुमा रहा है। यहाँ पे क्या है कि हमें UNDP का जो मुख्यालय है सिर्फ उसके बारे में पूछा है। तो जल्दी से बताइए UNDP का मुख्यालय कहाँ पे होगा? नैरोबी में होगा। कहाँ पे? नैरोबी में। नेक्स्ट हमारा भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक से इनका मिलान करना है। तो देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही होता है। इसमें देखिए SI हमारा, अगर हम लोग बात करें कि उष्मा का कैलोरी है तो ये गलत है, ठीक है। इसमें क्या होगा, उष्मा का SI मात्रक जूल होता है ना कि कैलोरी। बाकी बल का न्यूटन होता है, पास्कल का वायुमंडलीय दाब होता है, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है। नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। इसका कारण है कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है। तो कथन और कारण दोनों आप पढ़ लीजिए और हमें सही आंसर जल्दी से बताइए। इसमें देखिए हमारा सही आंसर होगा कि कथन व कारण दोनों सही, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक। अगला है हमारा कि दूर दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। निकट दृष्टि दोष में रोगी पास रखी वस्तुओं को तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। उसी तरह है हमारा कि दूर दृष्टि दोष में रोगी दूर की वस्तुओं को तो देख लेता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही। काफ़ी सिंपल है, इसमें हमारा A और B दोनों सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर हमारा कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल ज्ञात की जाती है। तो सोनार का उपयोग किया जाता है किस ध्वनि तरंगों का? इसमें तो इसमें किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। कौन सा है? पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दूसरा है संचायक बल, ठीक है। तो संचायक बल रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर हमारा प्रकाश संश्लेषण जो कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर है विद्युत बल्ब जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए विद्युत पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल्ब जो है यह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में करता है ना कि रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। अगला हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जल, भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर ध्रुव है। इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा। क्यों? क्योंकि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है, ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में मुंबई के ट्रांबे में हुई थी। मुंबई के निकट ट्रांबे है वहाँ पे। और बाकी हमारा सही है पहला कि जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा कि दो पदार्थों के तापमान में अंतर होने का कारण क्या है? तो दो पदार्थों के तापमान में अंतर होने का कारण उनके बीच प्रवाहित ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। इसके कथन में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा किसी पदार्थ के तापमान, आकार व अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का SI मात्रक कैलोरी होता है। तो देखते हैं इसमें हमारा सही आंसर क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसमें हमारा सही आंसर होगा केवल एक, ऊष्मीय ऊर्जा किसी पदार्थ के तापमान, आकार व अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल, हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर, ट्रांसफार्मर माइकल फेराडे, इलेक्ट्रॉनिक्स का नियम केल्विन। तो जल्दी से बताइए इसमें हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर D है, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम किसने दिया है? तो ये माइकल फेराडे ने दिया है ना कि केल्विन ने, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। कार्बन का एक अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, बंकमिंस्टर, फुलरेन। जल्दी से बताइए इसमें हमारा कौन सा सही होगा। इसमें हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, या तीनों। क्या है ये? सब तीनों के तीनों कार्बन के अपरूप है। फिर हमारा कि धातु और अयस्क, इसके बारे में हमें देखना है। मरकरी का अयस्क सिनेबार है, लेड का गैलेना है, यूरेनियम का पिच ब्लेंड है, तांबे का काल्वेराइड। जल्दी से बताइए इसमें हमारा कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है।
तो इसमें हमारा सही आंसर होगा डी, तांबे का जो अयस्क है वो कालवेराइट नहीं है। तांबे का अयस्क क्या होता है? क्यूपराइट होता है, कॉपर ग्लांस होता है, कॉपर पाइराइट, ना कि कालवेराइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, इस संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इस संदर्भ में सत्य कथन होगा हमारा, पढ़ते हैं, जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु की आवश्यकता है, दूसरा है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, तीसरा है लवणीय जल में जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो आप बताइए इसमें से हमारा सही आंसर, एक और है उपर्युक्त सभी, सही आंसर इसमें हमारा कौन सा होगा? टाइम अप होता है आपका, और इसमें हमारा सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला हमारा, खाना बनाने वाली गैस एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो खाना में बनाने वाली गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन व प्रोपेन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।